तो यूपी सरकार के एक मंत्री के ट्वीट ने क्यों युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। एक ट्वीट जिसे देखकर सुबह के वक्त मैं भी चकरा गया। वो ट्वीट जिसमें दावा ऐसा है कि जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और परेशान, और उस अजब थ्योरी को सुलझाने के लिए आप भी इतिहास के पन्नों को नहीं बल्कि बेरोजगारी के पन्नों को पलटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं ट्वीट पहले आपको दिखाता हूं, यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का। यह ट्वीट देखिए, ट्वीट है, योगी सरकार में बिजली भी है और नौकरी भी। इसके लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। केवल नोएडा में ही 17,927,000 करोड़ का निवेश हुआ। एक बार फिर से पढ़ता हूं, केवल नोएडा में ही 17,927,000 करोड़ का निवेश हुआ। अकेले उद्योग से ही 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दिलाई हैं। जी सही सुना आपने, सही सुना, 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दिलाई गई है। कल तक दावा था 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने का, नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र देने का। नियुक्ति पत्र देने वाली सरकार अब दावा कर रही है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार योगी सरकार में उपलब्ध करवाया गया। अब बेरोजगारी के आंकड़ों के उलट तस्वीर है क्या, और किस तस्वीर का जिक्र 2 करोड़ रोजगार के तहत मंत्री कर रहे हैं, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो है UPTET छात्र का, दर्द सुनिएगा पहले और फिर उसके बाद हम तुलना करेंगे इस 2 करोड़ के आंकड़े की, उसका सच्चाई, उसकी हकीकत क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उन आंकड़ों के जरिए जो सरकार के सामने मुबाहे खड़े हैं। लेकिन पहले ये वीडियो सुनिए UPTET के छात्र के दर्द को। अगर आप ये पेपर मुझे लिख के दें कि आप पेपर नहीं मुझे देने देंगे, सॉफ्ट कॉपी मेरे मोबाइल में है, हार्ड कॉपी में 2.5 घंटे के अंदर सेकंड जूनियर जो पेपर होता है मैं ला के दूंगा। आप लोग इतना, आप सिस्टम के एक हिस्सा है, आप लोग ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो सुना आपने UPTET के छात्र का दर्द। अब मैं कुछ आंकड़ों का जिक्र करता हूं, फिर उसके बाद कुछ दिलचस्प आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा जो ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के विधायक तक माफी मांग रहे हैं। आइए जरा आपको मैं कुछ आंकड़ों को दिखाना चाहूंगा। 5 साल में कम हुई यूपी में नौकरियां, मंत्री दावा कर रहे हैं कि हमने 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी, रोजगार दिया। और अब रिपोर्ट जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं वो रिपोर्ट भी आपको दिखाता हूं, और अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा यह रिपोर्ट दिखाइए। विधानसभा चुनाव से पहले CMIE के आंकड़े क्या कहते हैं, CMIE के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी के आंकड़े चुनाव में अपना प्रभाव डाल सकते हैं क्योंकि यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी में गिरावट दर्ज की गई है। नौकरी में गिरावट, मंत्री कह रहे 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी है, और CMIE के आंकड़े बता रहे हैं कि नौकरी में गिरावट हुई है। कैसे? CMIE ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से यूपी में बेरोजगार कि जो दर होती है, जो बेरोजगारी की दर होती है, पहले उन्होंने बताया कि साल 2016 में जो उसके मुकाबले 2021 में 6% तक गिर गई। 6% तक बेरोजगारी दर जो है वो बता रहे हैं कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई। रिपोर्ट ये कहती है कि यूपी में सितंबर दिसंबर 2016 में 38.5% लोग कार्यरत थे, अब सितंबर दिसंबर 2021 में कम होकर महज 32.79% पर यह पहुंच गई है। मंत्री कह रहे हैं 2 करोड़, और यहां पर बताया जा रहा है कि बेरोजगारी जो है वो इस कदर बढ़ गई कि पहले 32 लोग बेरोजगार की संख्या में दिखाई देते थे, अब 38 लोग कतार में बड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये हकीकत है, और इस हकीकत के इतर अब मैं उस वाक्य का भी जिक्र करना चाहता हूं जहां पर बीजेपी के विधायकों का विरोध हो रहा है। इस विरोध की सच्चाई क्या है, यह अपने आप में सवाल खड़ा करती है।
क्यों बेरोजगारी के इतर भाजपा के भीतर आज विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं लोगों की तरफ से, जहां पर उन्हें खदेड़ा जा रहा है। याद कीजिए आपको सबसे पहले ये तस्वीरें जहां पर केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम जिनका विरोध हुआ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब सिराथू गए, जहां से उन्हें चुनाव लड़ना है, वहां पर किस तरह से उनका विरोध हुआ उसकी ये तस्वीरें देखिए। सिर्फ डिप्टी सीएम ही नहीं, डिप्टी सीएम की विरोध की तस्वीरें देखी आपने, सिर्फ डिप्टी सीएम ही नहीं बल्कि अब मैं एक विधायक हैं और वो विधायक हैं बुलंदशहर में, विधायक जो माफी मांग रहे हैं जनता से, उनका नाम है देवेंद्र सिंह लोध। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विधायक जी, विधायक जी माफी मांग रहे हैं जनता से, कैसे माफी मांग रहे हैं अब वो भी सुनिए। बोलो, मैं साना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी, मैं अपनी क्षेत्रीय जनता में सभी लोगों से अपील करता हूँ, जो मेरे पर अब तक गलती हो गई है, मैं सभी के श्री चरणों में अपना मत्था टेक कर सभी से माफ़ी मांगता हूँ, आगे भविष्य में मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, धन्यवाद। ऐसी ही एक तस्वीरें और आई, विधायक है वो है सुरेश पासी, बताया जा रहा है कि सुरेश पासी अपने विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने के लिए गए थे, जहां पर जनता ने उनका विरोध कर दिया। अब विरोध के जो स्वर भी देखिए, जहां पर सुरेश पासी जनता से वोट मांगने गए और वहां पर विरोध हुआ। तो देखा आपने, विरोध की तस्वीरें भी हैं, नाराजगी का जिक्र भी है, अब इन तस्वीरों के पीछे छिपी उस सच्चाई का भी जिक्र है, जहां पर यह तक कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का और बीजेपी विधायकों का, बीजेपी नेताओं का गांव में घुसना मुश्किल हो रहा है। खैर, चुनाव है, ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां पर विरोध जताया जाता है, लेकिन आज मैंने जिक्र किया था नौकरी का, बेरोजगारी का, और इस ट्वीट को देखकर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था कि इस ट्वीट ने वाकई में हैरान कर दिया कि अकेले उद्योग से ही 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दिलाई गई, 2 करोड़ से ज्यादा। खैर, सच्चाई क्या है उत्तर प्रदेश के युवा जानते हैं, हकीकत क्या है उत्तर प्रदेश के युवा जानते हैं, धरातल पर तस्वीर क्या है लाठी खा रहे लखनऊ में युवा जानते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।